हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी अभी एक मेकअप वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक वीडियो जो कि होने वाला है गेट अनरेडी विथ मी। आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं मेरी मेकअप को कैसे रिमूव करती हूँ, मेकअप रिमूव करने के बाद मैं कैसे मेरी स्किन को केयर करती हूँ, यही सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी हेयर को टाई करूंगी और मैं मेरी ड्रेस को भी चेंज कर लूंगी। मेकअप रिमूव करने की पहले जनरली आई रिमूव माई कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड प्लेस देम इन इट्स केस। उसके बाद मैं मेरी फॉल्स आईलैशेस को रिमूव करती हूँ। उसके बाद मैं मेरी मेकअप को रिमूव करती हूँ और मैं बेला की कॉटन पैड्स यूज करती हूँ। यहाँ पे एक पैकेट में 80 पैड्स मिल जाता है, और इसकी जो MRP है वो शायद 110 रुपीज है। मैंने इसको नायका से परचेज किया था। मेकअप रिमूवर के लिए मैं यूज करती हूँ गार्नियर की माइसलर वाटर। ये एक ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है। मैं कॉटन पैड में 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ मेकअप रिमूवर ले लेती हूँ, और उससे मेरी फेस की पूरी मेकअप को क्लीन करती हूँ। अगर मुझे बाद में थोड़ा सा और मेकअप रिमूवर की जरूरत पड़ती है तो मैं उसी कॉटन पैड की दूसरी साइड में थोड़ा सा और ड्रॉप्स ऑफ मेकअप रिमूवर ले लेती हूँ, और उससे मेरी फेस की पूरी मेकअप को क्लीन कर लेती हूँ। आई मेकअप को क्लीन करने के लिए मैं कॉटन पैड को मेरी आईज के ऊपर 5 सेकेंड के लिए होल्ड करती हूँ, और उसके बाद अगर मैं रब करती हूँ तो पूरा जो आई मेकअप है वो निकल के आता है। अगर आप एक अच्छा मेकअप रिमूवर ढूंढ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली बाई दिस। मेकअप रिमूवर से फेस को क्लीन करने के बाद मैं डबल क्लीनिंग करती हूँ, मतलब मैं क्लींजर मिल्क से मेरी फेस को और एक बार क्लीन करती हूँ। मैं एक क्लीन कॉटन पैड में क्लींजर मिल्क ले लेती हूँ, और उससे मैं मेरी फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल्स की क्लींजर मिल्क। आप अपने मनपसंद की कोई भी क्लींजर मिल्क यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है फेस को वॉश करने की। इसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ ऑप्टिमल्स की हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है। मुझे ये फेस वॉश बहुत ही पसंद है। तो इस फेस वॉश को मैं पहले मेरी फेस पे अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा सा पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 2 to 3 मिनट्स के लिए मसाज करूँगी मेरी फेस पे, और उसके बाद मैं इस फेस वॉश को मेरी फेस पे 2 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फेस को वॉश करने के बाद मैं एक टॉवल से पहले मेरी फेस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। मैं आज यूज़ कर रही हूँ आजाफरान ऑर्गेनिक्स की फेस मिस्ट। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। तो फेस मिस्ट अच्छे से लगाने के बाद मैं उसको थोड़ा सा मेरी फेस पर टैप टैप करके लगा रही हूँ, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और मेरी फेस पर एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं मेरी लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ ओरिफ्लेम की टेंडर केयर। फेस मिस्ट को 2 to 3 मिनट्स के लिए फेस पे छोड़ने के बाद वो अच्छे से ड्राई हो जाता है, और उसके बाद मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ एक मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। मैं मॉइस्चराइजर को अच्छे से मेरी फेस पे मसाज करते हुए अप्लाई कर दूंगी। आप जब मॉइस्चराइजर अप्लाई करो तो थोड़ा सा मसाज करते हुए ही अप्लाई करो, ताकि जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यही थी मेकअप रिमूव करने के बाद मेरी स्किन केयर रूटीन, और मैं इस स्किन केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करती हूँ आफ्टर रिमूविंग माय मेकअप, क्योंकि मेकअप रिमूव करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर आप अपने मेकअप को क्लीन नहीं करते हो और मेकअप की कोई भी पार्टिकल अगर आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है तो इट कैन डैमेज योर स्किन। तो आप सोने से पहले प्लीज़ अपने मेकअप को अच्छे से क्लीन करके ही आप सो, और
स्किन को भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लो और उसके बाद ही आप सोने जाओ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा। अगर पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो वीडियो को, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।